अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं जी एस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज का सही तरीका, यानी कैसे नमाज अदा करें कि हमारी नमाज और दुआ दोनों कबूल हो जाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको नमाज को नमाज के तरीके से अदा करना है। बाज़ लोग जल्दी जल्दी नमाज अदा करते हैं और मस्जिद से ऐसे भागते हैं कि जैसे जेल से छूट कर भाग रहे हों, जबकि ये तरीका नहायत ही गलत है। नमाज का मतलब होता है सुकून, तो सुकून के साथ नमाज में दिल लगाकर नमाज को अदा करें। और नमाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हराम कामों से दूर रहना है। आप ख्याल रखिए, आप कितनी भी नमाज अदा कर लीजिए, अगर आप कोई हराम काम कर रहे हैं तब आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। और नमाज के लिए इरादा होना जरूरी है कि हम किस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं और कितनी रकात अदा कर रहे हैं। और नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरह को आप आराम से और इत्मीनान से पढ़िए, जिससे उन सूरह में कोई भी और जबर की गलती ना हो। पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज पूरी अदा कर लेने के बाद आराम से बैठकर बहुत देर तक अल्लाह तबारक बताला से रो रो कर दुआ मांगिए। बाज लोग होते हैं कि जल्दी से नमाज अदा करी और दो तीन लफ्जों की जो भी दुआ है वो दुआ अपने मतलब के लिए मांगी और चले गए, जबकि आपको इस दुनिया के हर मुसलमान के लिए दुआ मांगनी चाहिए, उसके बाद में अपने लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह तबारक बताला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी नमाज की दावत दे। अब जिन लोगों को नमाज का तरीका दुरुस्त करना है और ये चेक करना है कि हमारी नमाज सही है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। इस पे हम पूरी नमाज का एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी हिंदी में। आपको सिर्फ इतना करना है, YouTube पे जाना है और आपको YouTube पे सर्च करना है नमाज का तरीका और उसके आगे आपको डाल देना है जी एस वर्ल्ड। आपको जरूर डालना है, तभी आपको वो वीडियो मिलेगा। तो आप लिखिए नमाज का तरीका, उसके आगे आप डाल दीजिए जी एस वर्ल्ड। इस तरीके से लिखने पर आपको पूरी नमाज का तरीका हिंदी में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो से इंशाल्लाह तबारक बताला पूरी नमाज का तरीका सही से सीख जाएंगे। तो अभी अपने YouTube पे जाकर सर्च कीजिए नमाज का तरीका, उसके आगे जी एस वर्ल्ड डाल दीजिए। तो इन तमाम बातों पर जरूर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक बताला से दुआ है, अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक बताला हमें और आपको पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी की नमाज का तरीका दुरुस्त हो जाए। तो इस वीडियो को दिल खोल के शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक बताला आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की रोज की दो वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 6 बजे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके और रोज की दो वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।